बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें बताया है कि आज़म स्वाति तो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिहाइश में नहीं ठहरे, यानी जो क्वेटा में सुप्रीम कोर्ट का जो रेजिडेंशियल है, जो उनके लॉजेज हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो उसमें नहीं ठहरे। वो बलूचिस्तान रजिस्ट्री के जो लॉजेज हैं उनमें ठहरे होंगे। आज बलूचिस्तान जुडिशियल कम्प्लेक्स ने भी इसका इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि जी हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है कि आज़म स्वाति वहाँ ठहरे हों। दोनों साहबान ही सच फरमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि उनके गले से ये हार उतर जाए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस तरह लोगों के अंदर ये इम्प्रेशन जा रहा है कि अगर आज़म स्वाति की वीडियो वहाँ बन सकती है तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ ठहरते हैं यकीनन इनकी भी बन चुकी होगी। और यही वजह है कि जजेस जो हैं वो इंसाफ नहीं दे पा रहे। तो इस इम्प्रेशन को ज़ाहिर करने के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया कि जी वो वहाँ नहीं ठहरे। जब बलूचिस्तान जुडिशल कम्प्लेक्स की बात आई तो उन्होंने भी कह दिया कि जी हमारे रिकॉर्ड में तो वो नहीं ठहरे, दुरुस्त फरमा रहे हैं। इन जज साहिबान से जब कोई बंदा पूछे, जब इनके अजीज़ो अकारब, इनके जानने वाले यार दोस्त वगैरह को ये उन लाजिज में या उन रिहाइशों में ठहराते हैं, तो क्या उसकी बुकिंग उस दोस्त और उस रिश्तेदार के नाम पे करवाते हैं? वो बुकिंग यकीनन किसी जज के नाम पे होती है। तो सादिक संजरानी साहब ने जब आज़म स्वाति को वहाँ रिहाइश लेके दी तो उन्होंने भी यकीनन किसी जज के नाम पे बुकिंग करवाई होगी, और उसके बाद आज़म स्वाति को वहाँ ठहरा दिया। पाकिस्तानी माशरे में ये ऐसे होता है, आपको अपने दोस्तों को और अपने अजीज़ो अकारब को अब्लाइज करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। सादिक संजरानी ने भी अपने इस कुलीग को, सेनेट के साथी को अब्लाइज करने के लिए, अपनी दोस्ती निभाने के लिए उनको वहाँ रिहाइश लेके दी। अब वो रिहाइश क्योंकि ना तो सादिक संजरानी के नाम पे बुक हो सकती थी ना आज़म स्वाति के नाम पे बुक हो सकती थी, वो यकीनन किसी अपने जानने वाले जज के नाम पे उन्होंने लेके दी होगी जब आज़म स्वाति वहाँ ठहरे और उनकी मुबैना तौर पर यह वीडियो बनाई गई। तो दोनों साहिबान ही सच बोल रहे हैं, हकीकत इसके बरक्स है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मुझे एक दफ़ा शहर से बाहर रुकना पड़ा तो रेंजर की एक गेस्ट हाउस में मैंने एक अपने जानने वाले एक मेजर दोस्त थे उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपने नाम पे बुकिंग करवाई और मैं वहाँ एक रात के लिए ठहरा। और जब वो बुकिंग मेरी ख़त्म हुई तो अगले दिन उसके चार्जेस पे करने के लिए भी उसी फौजी अफसर, एक मेजर साहब थे, जिनको आना पड़ा। तो मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ कि ऐसा पाकिस्तान में होता है, इसलिए दोनों साहिबान दुरुस्त फरमा रहे हैं।